और एक बार फिर आइए, आपको लिए चलते हैं डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में मौजूद है मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा पार्थ के साथ। जरा एनालाइज कर लिया जाए क्योंकि इस वक्त बहुत सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं पूर्णिमा। बिल्कुल लगातार, और कहते हैं कि आंकड़े कम से कम वो कहानी भी बयां कर देते हैं जिसके बारे में समीर शायद कोई बात नहीं करता है, लेकिन आंकड़े सच्चाई दिखाते हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश में अभी जो स्थिति दिख रही है, योगी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, बीजेपी सरकार बना रही है, लगभग ये स्थिति साफ है। लेकिन बड़ी बात यह कि अखिलेश कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। पार्थ ने अभी ये रीजन वाइज एनालाइज किया है कि समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ गेन किया। पार्थ, सबसे पहले क्या हम अवध रीजन के साथ शुरुआत कर सकते हैं? ये देखिए, अगर अवध रीजन में हम लोग वोट शायद देख लेंगे तो देखिए 2017 में बीजेपी और सपा का जो बीच में जो गैप था ऑलमोस्ट 18% था, वो इस बार काफी कम होकर ऑलमोस्ट 6% में आ गया, 5-6% में। तो अवध में एक बेस बन गया समाजवादी पार्टी के लिए। क्या बुंदेलखंड में भी ऐसा ही हुआ है? देखिए बुंदेलखंड में वोट शेयर बेस काफी खराब था, 16% वोट था, उससे 29% तक किया है, बट अभी भी गैप बीजेपी से काफी ज्यादा है। पहले के कंपैरिजन में काफी कवर अप हो चुका है। अब ईस्टर्न यूपी आ जाते हैं। ईस्टर्न यूपी में भी देखेंगे, जो बीजेपी का पिछले बार गैप था वो 12% का करीब था, इस बार वो कम होकर 6% तक किया है, 6% तक बचा है। अब रोहेलखंड में जरा बताएं। देखिए रोहेलखंड में देखिए 28% से 41.3%, तो एक जंप है। उधर माइनॉरिटी वोट समाजवादी पार्टी ने, आखिरी वेस्टर्न यूपी का जल्दी से और बता दीजिए। वेस्टर्न यूपी में देखेंगे समाजवादी पार्टी का बहुत ज्यादा फायदा नहीं, मतलब गैप अभी भी बहुत ज्यादा है, 46-24, लेकिन अवध, बुंदेलखंड, ईस्टर्न यूपी और रोहेलखंड में गेन किया है, वेस्टर्न यूपी में थोड़ा सा उससे कम है। करुणा, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पूर्णिमा, इस बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं क्योंकि अमेठी में क्या हुआ है, यहां के नतीजे आ गए। अमेठी से बीजेपी के संजय सिंह हार गए हैं, गायत्री प्रजापति की पत्नी अमेठी से जीत गई हैं। गायत्री प्रजापति इस वक्त जेल में है, तो ये आपको अमेठी का हम हाल बता रहे हैं। और हेमंत सर, आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? कि अमेठी में महाराजा हार गया है और महाराजी जीत गई है, और ये जो महाराजी जीती है या समाजवादी पार्टी के जेल में बंद नेता गायत्री प्रजापति की पत्नी है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, इनका जीतना ये बताता है कि अमेठी में लड़ाई अगड़े और पिछड़ों में हुई थी, क्योंकि पिछड़ी जातियों के मतदाता वहां बहुत हैं। एक और अहम खबर हेमंत जी, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, वाराणसी साउथ से नीलकंठ तिवारी 8,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, ये एक बिल्कुल अहम जानकारी सामने आ रही है। हेमंत जी, इसकी वजह क्या है, क्योंकि इस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रोड शो किया था। समीर, ये चुनाव के पहले से ही लग रहा था कि ये सीट हार जाएंगे, इसलिए बहुत सबकी ये रिपोर्ट थी कि ये कैंडिडेट बदलना चाहिए। वो कैंडिडेट इतने अलोकप्रिय थे, किसी से बात नहीं करते थे, किसी से मिलते नहीं थे, और स्थितियाँ तो ये आ गई कि स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। उन्हें हराने के में भारतीय जनता पार्टी की के स्थानीय कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत अहम थी। ठीक है, और इस बीच एक और अहम अपडेट, शामली के थाना भवन से सुरेश राणा की हार कंफर्म हो गई है, वो अपनी सीट हार गए। बीजेपी के सुरेश राणा 10,000 वोटों से हारे हैं, एसपी कैंडिडेट ने सुरेश राणा को हराया, यानी सुरेश राणा और संगीत सोम दोनों अपनी सीटें हार गए हैं। ये बड़ा उलटफेर इस बार देखने को मिला है वेस्टर्न यूपी में। शामली के थाना भवन से सुरेश राणा भी अपनी सीट हार गए। तो आप देखिए, सुरेश राणा 10,000 वोट से हारे हैं, जो हम थाना भवन, जो कि शामली की थाना भवन सीट, और इसी का हम जिक्र कर रहे हैं। और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।